क्योंकि हमारी ड्यूटी है जो हमसे जुड़ा है उसको असत्य जनाना और सत्य जनाना, असत्य से हटा करके सत्य से युक्त बनाना, सत्य से जुड़ना, सत्य पर रहने चलने के लिए थोड़ा दबाव भी देना पड़े, थोड़ा प्रेशर भी देना पड़े, अनुशासन को कठोरता में भी लाना पड़े तो सदगुरु के लिए अलाउ है। कठोर अनुशासन करके भी श्रेय के मार्ग में लगाना सदगुरु का कर्तव्य होता है। अपने शिष्य को, अपने सेवक को कठोर अनुशासन के अंतर्गत रख करके श्रेय के मार्ग में लगा देना, परम कल्याण के मार्ग में लगा देना, ये सदगुरु के ड्यूटी में आता है। हम लोग ये कठोरता भी लागू करते हैं अनुशासन का, तो उस पर पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यह हमारा रहना चलना पसंद करता है कि नहीं। यदि हमारा होकर के रहना चलना पसंद करता है तब कठोर अनुशासन में हम लोग के लिए कोई सोचने की गुंजाइश नहीं है। यदि वह कहे कि मुझे आपसे मतलब नहीं है, मैं आपका आपके अनुसार नहीं रहना चाहता, तो फिर अनुशासन की बातें खत्म हो गई। हम लोग अनुशासन भी उसी पर रखना चाहते हैं, कठोर अनुशासन भी उसी पर रखना चाहते हैं जो हम लोगों का होकर के रहना चलना चाहता है। और अब अलग है तो हम लोग चाहेंगे कि अपने कर्तव्य का पालन हर हालत में हर कोई करे। हम लोग का एक ही प्रश्न है, एक ही बात है, आदेश है कि हर कोई अपने कर्तव्य का पालन करे। कर्तव्य कर्म नहीं, कर्तव्य जो उसे करना चाहिए वह करे, ये उसका कर्तव्य है। इस समय धरती पर हर किसी का पहला कर्तव्य है, हर किसी का, चाहे वो बीवी बच्चा में बैठा है, चाहे वो किसी नौकरी चाकरी में बैठा है, खेती बाड़ी में बैठा है, चाहे जहां भी बैठा है। इस समय देश काल परिस्थिति की मांग के अनुसार हर किसी का पहला कर्तव्य है हर स्तर पर असत्य धर्म न्याय और नीति को मिटाना, उसके स्थान पर सत्य धर्म न्याय नीति को स्थापित करना। इसमें जहां तक हो सके, जितना हो सके, हर संभव प्रयास करके हर किसी को इसमें जुड़ना चाहिए। क्योंकि जब असत्य धर्म समाप्त हो जाएगा, अन्याय नीति समाप्त हो जाएगा, तो शेष बचेगा क्या? सत्य धर्म न्याय नीति स्वतः स्थापित हो, और जब स्थापित होगा तो हमारी रक्षा और व्यवस्था, हमारी समृद्धि और संपन्नता, हमारा अमन और चैन, हमारी सुख और शांति सहजता पूर्वक हमारे चारों तरफ फैल जाएगी, सहजता पूर्वक हमारे चारों तरफ फैल जाएगी। फिर हमको जो है ये नाना तरह का दुस्सह दुख, कमी, अभाव और असंतुष्टि खोजने पर नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो है कर्तव्य पालन इस समय हर किसी की पहली ड्यूटी है। धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा पहली आवश्यकता है। धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा, आप जो सोचते हैं कि मुझे अपने पत्नी की, अपने बेटा बेटी की रक्षा पहले नंबर पर है, ये आपका आपकी ना जानकारी है, आपकी ना समझदारी है। जब धरती रहेगी ही नहीं तो आपके सुरक्षित बेटा बेटी कहां रहेंगे? जब धरती रहेगी ही नहीं तो आपके सुरक्षित बेटा बेटी, घर परिवार, पत्नी, बीवी, बच्चा कहां रहेंगे? जब धरती खतरे में है, जब धरती खतरे में है, तो बेटा बेटी का सुरक्षा बंद करके थोड़ी देर के लिए हर किसी को धरती की सुरक्षा में लगनी चाहिए। अभी देश पर जब आपातकाल घोषित हो जाए, अभी कोई युद्ध छिड़ जाए, तो सारे विकास के कार्य बंद कर दिए जाएंगे। जो खरबों रुपए का बजट इस समय विकास में खर्च हो रहा है, अभी पाकिस्तान से कोई देश जो युद्ध छेड़ दे तो सारे विकास के काम वहीं ब्रेक कर दिए जाएंगे जो जहां तक हुआ होगा, और सारा धन खजाना जो है रिजर्व कर दिया जाएगा, पेट्रोलियम तक रिजर्व कर दिए जाएंगे, हर चीजें रिजर्व कर दिए जाएंगे। ये जो राशन वितरण हो रहा है वो दुकानों पर, वो रिजर्व कर दिया जाएगा मिलिट्री के लिए। हर चीज मिलिट्री की तरफ दौड़ाना शुरू कर देगा,
हर चीज जैसे इन्फेंट्री की तरफ दौड़ने शुरू हो जाएंगे, भेजना शुरू कर दिया जाएगा। क्यों? कि देश जब सुरक्षित बचेगा तब हम लोग सब लोग भी सुरक्षित ठीक तरीके से रहेंगे। तो जब धरती खतरे में है और आप अपने बीवी बच्चा को घर में सजाने में लगे हुए हैं, धरती रहेगी रहेगी ही नहीं तो आपके बीवी बच्चा कहां सुरक्षित रहेंगे? नाव डूबने जा रही है, नाव डूब रही है, केवट कह रहा है कि आप लोग स्थिर होइए, नाव डूबने की स्थिति में है, आप लोग डगमगाइए नहीं। और आप पकड़ के अपने बच्चे को तो पकड़ने जाए, उधर को अपने बच्चे को पकड़ने जाए, डगमगा कर नाव डूब जाए, बच्चे कैसे बचा लीजिएगा? केवट की तरफ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। नाव पर बैठे दरिया खतरनाक है, मलाह की तरफ ध्यान दीजिए। मलाह कह रहा है शांत हो जाइए, रहने दीजिए बच्चे को, आप भी शांत हो जाइए, जहां वहीं बैठ जाइए, नाव में स्थिरता लाइए, ताकि मलाह जो है बच्चे आप सहित बच्चे को किनारे तो पहले कर दे। अब वो कह रहे नाव डगमगा रही है और आप अपने बच्चे को इधर उधर कूद फन करके वो बच्चा सजोने में लगे हैं, धरती नाश की स्थिति में आ गई है और आप लोग घर परिवार बीवी बच्चा सजाने में लगे हैं। हम लोग का तो एक ही बात कहना है, ये धरती नहीं रहेगी तो आप अपने बीवी बच्चा को कहां रखेंगे? सजावट बुरी नहीं है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम लोग कहें कि आप अपने बीवी बच्चा को गोली मार दीजिए, गड्ढे में डाल दीजिए, सड़क पर छोड़ दीजिए, ये कभी हम लोग नहीं कहते। लेकिन जो सारे अपने सब कुछ जो अपना अपने शरीर और बीवी बच्चा में लगाए फिरे हुए उसी में से सात पांच का लाठी एक का बोझ, यानी आप सभी थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रखिए कि आपका घर परिवार, आपका बीवी बच्चा, आपका गांव तभी रहेगा सुरक्षित जब धरती सुरक्षित रहेगी। ये सुरक्षित तभी रहेगी जब धरती सुरक्षित रहेगी, धरती ही नहीं रहेगी तो ये सुरक्षित कहां रहेगी? ये सुरक्षित कहां रहेंगे? तो हम लोगों की यही लड़ाई है, हम लोगों का यही मान है, हम लोगों का यही आप सबसे भाव व्यवहार है कहने का कि हम लोग जो हर प्रकार से अपना पूरा रुख मुख जो घर परिवार बीवी बच्चा के पीछे कर दिए हैं, इसमें से कुछ परसेंट छांट करके निकाल करके हम लोग धरती की रक्षा में लगे। ये नहीं कि हम यहाँ बक्सा नहीं फहराएंगे कि ये कुछ परसेंट छाड़ करके हमको दे दीजिए, हम धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा वाले हैं, हमको पहले आपका धन नहीं चाहिए, हमको पहले आपका धन नहीं चाहिए, हमको तो पहले आपका तन चाहिए, तन, हमको तो पहले आपके शरीर चाहिए, शरीर। और उस शरीर, उस शरीर के साथ मन चाहिए जो आपके बस का नहीं है, मन चाहिए जिसको नियंत्रित कर करा करके हम लोग इस तन से इस धरती की रक्षा करावे, इस धरती की रक्षा में लगावे, धरती सुरक्षित हो जाए तो आपका बीवी बच्चा घर परिवार 10-15 दिन बाद में भी ठीक हो जाएगा। देश सुरक्षित रहेगा तो प्रदेश के भीतरी सजावट, भीतरी व्यवस्था ये 2-4-6 महीना बाद हो जाएगा, लेकिन धरती रहेगी ही नहीं तो सारा सुरक्षित जो है वो नाश में बदल जाएगा। धरती सुरक्षित रहेगी थोड़ा घर पूर्व में तकलीफ भी होगा, दुख कष्ट भी होगा, और धरती सुरक्षित हो जाएगी तो धरती प्रकृति और परम पुरुष तीनों को आप ना जानकार है, लेकिन इन तीनों को पता है कि आप कौन हैं और उसके साथ क्या व्यवहार बर्ताव दे रहे हैं। तो आप जो अपने जीवन को धरती धर्म और धर्मात्मा के रक्षा में लगाए हो और उन्हें जाने भी नहीं, आप जो ये दरिद्र और भिखारी और अकिंचन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे, प्रकृति और पुरुष आपको नहीं पहचानेंगे। हम तो धरती धर्म धर्मात्मा की रक्षा की बात कर रहे हैं, धरती सुरक्षित रहेगी तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, धरती भी सुरक्षित रहेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे क्या? हम लोग तो धरती की सुरक्षा में आगे आपके तन को करने आए हैं, ये भी नहीं कि आप हमको रुपया दे दीजिए, क्या गर्ज है हमको रुपया के लिए? आप रुपया कमाते हैं, हम रुपया नहीं कमा सकते क्या? आपके पास घर परिवार है, हम घर परिवार नहीं बसा सकते क्या? हम भी ऐसा कर सकते थे लेकिन नहीं,
हम लोग की पहली चिंता है धरती की रक्षा, हम लोग की पहली चिंता है धरती की रक्षा। धरती सुरक्षित रहेगी तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। हर लोगों को अपने को सुधरने संभलने का मौका मिलेगा, हर लोगों को अपने बीवी बच्चों में ठीक से रहने का मौका मिलेगा, अमन चैन से रहने का मौका मिलेगा। धरती में रहेगी तो बीवी बच्चा कहां से रहेंगे? बीवी बच्चा में हमको आनंद मौज मस्ती से रहने का मौका कहां से मिलेगा? तो हम लोग तो धरती की धर्म की रक्षा क्यों चाहते हैं कि शांति रहेगी तभी आपके परिवार में आपको आनंद भी मिलेगा। शांति और शांति नहीं फैलेगी, अमन चैन नहीं रहेगा तो आप चाहे कि अपने घर परिवार में बैठ करके आनंद मनावे, ऐसा कदाप संभव नहीं है। अमन चैन जब रहेगा तभी जाकर के आपको पारिवारिक आनंद भी सुलभ हो पाएगा। अमन चैन समाज नहीं रहेगा, शांतिप्रद समाज नहीं रहेगा तो आपको अपने भरा पूरा परिवार के बावजूद भी शांति नहीं मिल सकती है, खुशी और आनंद नहीं मिल सकता है। सब चारों तरफ हाहाकार, लूटपाट, खसोट, मारकाट बना रहेगा, आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? कैसे सुरक्षित रहेंगे?